गर्मियों के मौसम में आगजनी की बढ़ती घटनाओं से हर वर्ष करोड़ों रुपए की वन संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होने से शिमला के आसपास के जंगल भी धू धू कर जल रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने लोगों से जंगलों में लगने वाली आग से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। गर्मियों का मौसम आते ही जंगलों में आगजनी की समस्या भी पैदा हो जाती है और जंगल धू धू कर जलने लगते हैं, जिससे करोड़ों की वन संपदा को हर वर्ष नुकसान पहुंचता है। इस वर्ष भी गर्मी आते ही जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। राजधानी शिमला और आसपास के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे कई वन्य जीव जंतु भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अग्निशमन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे जलती माचिस, बीड़ी, सिगरेट को जंगल में ना फेंके, वहीं कांच की बोतलों को भी जंगलों में नहीं फेंकना चाहिए। सूर्य की किरणें कांच पर पड़कर आग लगने का कारण बनती है। उन्होंने जंगलों में लगने वाली आग से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। मैं आपको जो 24 घंटे की जो पिछली रिपोर्ट है फायर की, जो जंगलों की और हाउस फायर है, कोई गौशाला जल गई, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री या हाउस फायर है, जो अभी मैंने 10 बजे जो डाक भेजी डायरेक्टर फायर सर्विस को, उसमें 88 फायर कॉल जो है 24 घंटे की जो है नोटिस की गई है। जो आपने कारण पूछा जंगलों में आग लगने का कारण, ये तो हमारा सबसे पहला कारण है लापरवाही से। चलते हुए कोई भी बीड़ी, सिगरेट या जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंकते तो वहीं से आग शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है कोई राहगीर जो है कोई आग जला देते हैं, या गडरिए या कोई टूरिस्ट आग लगा देते हैं जंगलों में, और वहाँ वो आग को खुला छोड़ करके नेक्स्ट जगह के लिए मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, और उसे भी आग लग जाती है। तीसरा कारण है एक जो किसान है गांव में, वो भी अपने एक इस फायदे के लिए कि कहीं अगर हम आग लगा देते हैं घासनी में या फिर जंगल में, तो हमारे पशुओं के लिए ताज़ा चारा आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि वो आग जो है नियंत्रण से बाहर हो जाती है और धीरे धीरे जो है जंगल की ओर फैल जाती है, और ये भी एक कारण है। चौथा कारण जो उसमें है, शीशे के टुकड़े जो हम कांच के टुकड़े हैं वो जंगलों में फेंक देते हैं, वहाँ रेडिएशन के द्वारा सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं वो फोकस करती हैं और वहाँ जो है फ्लैश हो जाता है, क्योंकि वहाँ जलने वाला वातावरण पहले ही बना होता है। काफ़ी सूखी पत्तियाँ, घास जो वहाँ माकुल होती हैं, जैसे उसको स्पार्क मिला और वो आग लग जाती है। क्या तो ये कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं इसमें और भी। तो मैं समझता हूं कि इसमें हमें जो है, खासकर जंगल हमारे है, वन संपदा हमारी है, और जो घासनी या जो भी हमारे सरौनी के जितना भी एरिया हमारा है, हम उसको जलाने के बजाय हम उसको एरिया जितनी भी घास पत्तियाँ हैं मकानों के नज़दीक हो, चाहे जंगलों में भी हो, वहाँ थोड़ा थोड़ा जो है पत्तियाँ हटाते रहें, ताकि वहाँ जलने वाला जो ईंधन है, जलने वाला पदार्थ कम मात्रा में मिले। जहाँ कहीं से भी आग अगर लगती भी हो तो आगे उसको जलने वाला पदार्थ ना मिले, वो आग वहीं बुझ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।